हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नवनीत मिश्रा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड टुडे वी हैव सौविक। सो बेसिकली टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, दैट इज स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। सो वी विल टॉक ओनली टू थ्री थिंग्स कि हाउ एक्चुअली इज डिपार्टमेंट, व्हाट इज द कट ऑफ, यहाँ के फैकल्टी वगैरह कैसे हैं, क्या आपको हॉस्टल सुविधा यहाँ उसी दिन मिल जाती है, यहाँ का फूड कल्चर कैसा है, कैंपस कैसा है। सो होलिस्टिकली 360 डिग्री व्यू वी विल टेक ऑफ द स्कूल ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो चलो वेलकम सौविक, प्लीज इंट्रोड्यूस टू अस। या हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौविक गुप्ता, आई एम फ्रॉम आसानसोल वेस्ट बंगाल एंड आई एम परसुइंग एमएससी केमिस्ट्री फ्रॉम स्कूल ऑफ केमिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो जैसा कि भैया बोल रहे हैं कि कट ऑफ लास्ट टाइम आपका था 200 प्लस, अगर आपका 220 से ज़्यादा स्कोर है तो आपको गारंटी मिल जाएगा। अच्छा, 200 प्लस है वो भी ठीक है, तो लास्ट ईयर कट ऑफ से ऐसा ही हुआ था। और रही बात हॉस्टल की, हॉस्टल आपको उसी दिन मिल जाता है, हॉस्टल को लेके कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लास्ट ईयर मैं जिस दिन द सेम डे ऑफ एडमिशन, द डे यू टेक एडमिशन उसी दिन हॉस्टल मिल जाती है यहाँ, राइट? या अच्छा वन थिंग, मैंने एक भी लड़की को देखा नहीं कि मतलब यहाँ 101% हॉस्टल का गारंटी है फ्रॉम योर साइड। आई एम नॉट टेलिंग, यू आर टेलिंग 101%। यू विल बी आल्सो रिस्पॉन्सिबल इफ समबडी डजंट गेट द हॉस्टल। तो ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि अगर मैं ये बोल रहा था कि पीपल हु इज स्कोरिंग 200 प्लस दिस टाइम स्लाइटली पेपर वॉज टफर, राइट? फॉर CUET 2023 पेपर वॉज रिलेटिवली टफर एज कम्पेयर टू 22। इन योर बैच अराउंड 200 प्लस वॉज द कट ऑफ, द पेपर वॉज इजियर, दिस टाइम पेपर इज टफ, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि नियरली 200 रहेगा या उसके बिलो भी जाएगा कट ऑफ, राइट? एंड ग्रेटली ग्रेट टू नो दैट कि यू हैव स्कोर 248, दैट्स वन ऑफ द हाइएस्ट स्कोर आई थिंक। ये बताइए सौविक जी कि हाउ इज दिस कैंपस लाइफ गोइंग ऑन, हाउ डू यू फील? इट्स बीन ऑलमोस्ट ए ईयर, यू हैव ऑलमोस्ट spent 2 semesters in University of Hyderabad School of Economy, School of Chemistry. So, how's your experience? कैसा रहा आपका अनुभव, बताइए overall? Yeah. Campus बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. The campus is so vibrant and green that it will make you automatically focus on your studies. अच्छा अच्छा. Campus इतना अच्छा है और professors भी बहुत अच्छे हैं. यहाँ के faculty बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. Compared to any other universities और फैकल्टी जो प्रोफेसर है वो आपको क्लास के आउटसाइड भी काउंसलिंग के लिए मिलता है। अगर कुछ सपोज आपको कुछ चीज समझ नहीं आया या कुछ स्टडी रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप उनको मेल से पूछ सकते हो कि उनके ऑफिस में जाके पूछ सकते हो। और क्लासरूम लैब यहाँ का तो टॉप नॉच है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अच्छा अच्छा, ये बताइए इफ पीपल आर वन सेकेंड सौविक, आई वुड लाइक टू आस्क यू, इफ पीपल आर कन्फ्यूज, क्योंकि अभी CUET के लिए वो अप्लाई करेंगे इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी, दे आर इफ दे आर कन्फ्यूज बिटवीन BHU, HCU, DU, JNU, तो वाट शुड बी द आइडियल प्रिफरेंस फॉर मास्टर्स इन केमिस्ट्री? अभी इसलिए अगर ऑब्वियसली माय फर्स्ट चॉइस वाज HCU पूरा कंट्री में इसका रैंक ऑन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। यस, कैंपस भी गुड, डिपार्टमेंट भी वेरी गुड, कैंपस बहुत अच्छा है, डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है और यहां के जो प्रोफेसर है उनका तो क्या ही कहना, क्या है। अच्छा, ज्यादातर प्रोफेसर भी थोड़ा ज्यादा है। हाँ, अच्छा, ज्यादातर जो प्रोफेसर हैं फ्रॉम योर डिपार्टमेंट दे स्टडीड फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज और ISC बेंगलोर, राइट? या न्यूली जॉइन प्रोफेसर्स आर मेनली फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, और जो हमारे ओल्ड प्रोफेसर्स है वो IIS बेंगलोर, IIT कानपुर और ISC कोलकाता और अपना पाल सर फ्रॉम जादवपुर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए कि फूड को लेके कभी कभी प्रॉब्लम रहता है, क्या फूड, इज इट ओके टू स्टे फॉर 2 years अगर कोई फूड के लिए आ रहा है, जैसे बंगाल से आ रहे हैं या नॉर्थ इंडिया से आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट मैनेजेबल? हम बंगाली लोग को उतना प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ हाँ, इवन आई कम फ्रॉम आई कम यस यस चावल का आदत है, या चावल का आदत है, लेकिन जो लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, फूड क्वालिटी बहुत एवरेज है, बस एवरेज प्रॉब्लम है यहाँ का, मतलब थोड़ा मैनेजेबल है, यू कैन सर्वाइव एटलीस्ट। हाँ, थोड़ा मैनेजेबल है।
हाँ थोड़ा तो आपको कैंटीन वगैरह या फिर जोमेटो स्विगी करना पड़ेगा। टेल मी एवरेज क्वालिटी का अच्छा जस्ट आई वुड लाइक टू आस्क कि है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एमएससी फ्रॉम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हैदराबाद, इसके क्या क्या स्कोप हैं आगे, क्या यहाँ प्लेसमेंट होती है, क्या टीचिंग में जाना है, क्या रिसर्च में जाना है, क्या सीएसआईआर नेट यहाँ से निकलते हैं, क्या क्या है एडवांटेज बताइए। अगर जैसे स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में जो आपको जो जो टीचिंग करिकुलम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूसली आपका एवेल्युएशन होता है, तो उनमें से आपको मतलब पढ़ाई से कभी फुर्सत नहीं मिलेगा, कॉन्टिन्यूसली से पढ़ाई करते जाओगे, ऐसे में आपका क्वेश्चन क्वेश्चन जब जब प्रैक्टिस करोगे सी एस आई नेट के लिए, देखना कि वैसे आपका क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा आपका बेसिस ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, आपके अच्छा सिलेबस ही ऐसा है, अच्छा मतलब और सी एस बाकी आई आर रिसर्च ओरिएंटेड हाँ नेट भी तो निकल बहुत ही स्कोप जाएगा। है यहाँ। यस यस जस्ट हाँ, अ अगर कोई काइंड अच्छे से काइंड करे हाँ देन काइंड ऑफ एडजस्टमेंट हो गए। अ काइंड ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू टेल टू योर जूनियर्स, अपकमिंग जूनियर्स या सौविक। जस्ट पढ़ाई को या हमारा हमारा अब तो 6 में इतना तक जो सफर आया है वो तो बहुत ही फास्ट था, काफी जो फास्ट 2022 बैच है उनको सभी को पता है, सभी को इन पता ऑल हाँ ब्रांचेस एवरीवन नो यस 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 कैसा गया यस लास्ट 5 6 मंथ, तो वन ईयर हमने सिक्स मंथ में मैं कवर भी किया है। लुकिंग फॉरवर्ड टू यस इट, मैं भी फॉरवर्ड 1 या 6 मंथ को कवर किया है, यस सबको यस पता है कि कैसा निकला है, हाँ तो जो दिक्कत लगा कैंपस में, कैंपस बहुत ही वाइब्रेंट है, यहाँ पर हाँ बहुत तरह के फेस्टिवल अलग अलग, मतलब फुल्ली जो फ्रीडम है, फुल्ली फ्रीडम है, कैंपस बहुत अच्छा है, सीनियर्स भैया लोग भी बहुत अच्छे हैं, और मैं अच्छा स्कूल के नहीं एंजॉय हूं करो, पढ़ाई करो, हाँ अरे आपसे तो मुलाकात करता ही है, बहुत ही अच्छे हाँ हो आप, हॉस्टल में हमारा सुनू भैया है और भी है, तो थोड़ा सा दो लाइन अपने बंगाली जूनियर्स के लिए बता देंगे, थोड़ा बंगाली में बता दीजिए। पीपल हु इज वॉचिंग यू यू कैन एटलीस्ट गिव ए टू लाइन्स एडवाइस टू योर बंगाली जूनियर्स। अगर तुम्हारा स्कोर अगर 200 से अगर ज्यादा ना भी आए, तो हमारा जो ऑफलाइन काउंसलिंग होता है जरूर आना बोलो उसमें, यस क्योंकि तब भी यस चांस रहता है यस यहाँ पे मिलने दैट का, आई वांटेड टू और टेल देम कि हॉस्टल यू हॉस्टल के मस्ट कोच कैसे यस यू लेने, यस यस आई मीन हाँ दे हॉस्टल मस्ट कम हॉस्टल के हियर कैंसिल लेने का एटलीस्ट। कोई जरूरत नहीं है, हाँ हाँ अटेंडेंस लगाना जरूरी है बस एटलीस्ट इन काउंसलिंग दे मस्ट कम फॉर द अटेंडेंस बिकॉज समटाइम्स वेटिंग लिस्ट से भी होता है। ट्रेन का टिकट टाइम से कटना हाँ ट्रेन का मैं टिकट टाइम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हाँ क्योंकि ट्रेन का हाँ टिकट का जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं, ट्रेन टिकट बहुत प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा पहले ही काट लेना, कोई बात नहीं, अगर अगर आपका लग रहा है कि नहीं होगा तो बाद में कैंसिल कर देना, कौन सी बड़ी तो बात है। यस यस वेरी गुड एडवाइस। तो चलिए सौविक काफ़ी मज़ा आया, हमने कैंपस की बात करी, हमने हॉस्टल की बात करी, फूड की बात करी, डिपार्टमेंट तो आपका ऑल इन वन है, ऑल इंडिया रैंक वन है स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, और आपने एडवाइस भी बोल दिया कि ट्रेन का टिकट आप थोड़ा जल्दी काट लेंगे, और एवरीबडी शुड कम, एवरेज जो भी 180 190 से अबव आ रहे हैं इन जनरल कैटेगरी दे मस्ट कम हियर, और ओबीसी एसटीएससी का मस्ट थोड़ा और कम कट ऑफ जाएगा। सिंपली आई वुड सो हु सो एवर कम, स्कोरिंग 150 160 प्लस एवरीबडी शुड कम हियर क्या, सो दे कैन मेक सच काइंड ऑफ डिसीजन, बिकॉज इफ यू डोंट कम यू वॉन्ट गेट एडमिशन, बट इफ यू कम हियर तो एटलीस्ट देर इज ए चांस, इवन इन वेटिंग लिस्ट यू विल हैव चांस ऑफ गेटिंग एडमिशन। और आपने कट ऑफ का भी बात कर दिया था कि लास्ट टाइम कट ऑफ वॉज नियरली 200 फॉर द जनरल कैटेगरी एंड दिस टाइम इट कुड गो लोअर देन दैट बिकॉज पेपर वॉज रिलेटिवली टफर। तो चलिए सौविक सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, होप कि वी विल डू सम अदर सेशन एंड इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ऐसे ही गुड कैंपस, हाँ यस गुड लक बाय। थैंक यू भैया।